हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मातृस्वर चैनल। आज हम बात करेंगे गर्भावस्था का सातवां महीना कैसा होता है। गर्भावस्था के सातवें महीने में आपके शिशु में ग्रोथ में क्या वृद्धि होती है और उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, और गर्भवती महिला के शरीर में क्या क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके शिशु में क्या बदलाव आता है। आपके शिशु के शरीर पर चर्बी जमा होने लगते हैं और आपका शिशु लगभग 36 सेंटीमीटर यानी 14 इंच लंबा होता है। आपके शिशु का वज़न लगभग 900 से 1800 ग्राम होता है और आपका शिशु का श्रवण पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। वह अपनी स्थिति बार बार बदलता रहता है और वह बाहर के और वातावरण में होने वाले साउंड, ध्वनि, दर्द और लाइट के वो रिस्पॉन्ड करता है। अब बात कर लेते हैं कि सातवें महीने में गर्भवती महिला के शरीर में क्या बदलाव होता है। गर्भवती महिला अपने शरीर में क्या बदलाव महसूस करती है। तो सबसे पहला बदलाव यह होता है कि सातवें महीने पर आपको बच्चे की हलचल, फिटल मूवमेंट्स, फिटल किक्स सबसे ज़्यादा महसूस होती है। और दूसरी बात यह है कि बेबी बम्प्स जो है आपका पेट का आकार, आपका नाभि से 3 फिंगर ऊपर तक आ जाता है। आपके जो स्टेज मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाता है क्योंकि बेबी ग्रो करता है या यूट्राइन साइज बढ़ता है, तो एब्डोमिनल जो स्किन होती है वो उसमें स्ट्रेच होता है। आपके ब्रेस्ट साइज जो है बढ़ जाता है और आपका एरियोला पोर्शन का जो आकार है वो भी बढ़ जाता है। बेबी का साइज बढ़ता है तो यूट्राइन साइज भी बढ़ता है और उससे लिगामेंट्स पे स्ट्रेच होते हैं, तो आपको लोअर रीजन में जो है खिंचाव महसूस होगा और बैक एक भी बहुत सारी औरतों को होता है। तो सातवें महीने से आपको अपने शरीर में ये बदलाव महसूस होंगे और आपके शिशु में भी बदलाव होता है। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल For genuine pregnancy updates, stay healthy.